सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, अर्थात केंद्रीय मंत्री परिषद। भारत की जो केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मंत्री परिषद है उसके बारे में हम चर्चा आज करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकंड ईयर और एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन एवं राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उस पुस्तक के सिलेबस का पार्ट तो है ही। इसके अलावा ये जो बच्चे बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, राजस्थान पुलिस की, पटवारी की, ग्राम सेवक की, रिट की, स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहा है या फिर एसएससी की तैयारी कर रहा है, उन सभी बच्चों के लिए उपयोगी है, क्योंकि जीके का जो पार्ट है वो कंपटीशन में आता है और जीके के उस पार्ट में पॉलिटी का पोर्शन भी होता है तो उसका हिस्सा भी है। इसके अलावा आपके बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे एग्जाम में आ सकता है कि भाई मंत्रिपरिषद का गठन, कार्य का सविस्तार वर्णन कीजिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सविस्तार वर्णन कीजिए, तो ये बड़ा क्वेश्चन भी एग्जाम में जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं उनके आता रहता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। संघीय मंत्रिपरिषद, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अपने राष्ट्रपति के टॉपिक में अपन ने देखा था कि लिखा हुआ था अनुच्छेद 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, जिसका प्रयोग वह खुद करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब यहाँ अधीनस्थों से मतलब है मंत्रिपरिषद के सदस्य, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने मंत्री अधीनस्थ यानी मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति के राष्ट्रपति अपने जितने भी काम और करेगा उसमें परामर्श देने के लिए और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी और वो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी। अब अनुच्छेद 74 जो है इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक लाइन जोड़ दी गई। अनुच्छेद 74 में क्या जोड़ा गया, ये तो पहले से लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, तथा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति अपने जितने भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें एक लाइन और जोड़ दी गई कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो मंत्रिपरिषद के निर्णय को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दिए गए निर्णय को राष्ट्रपति को मानना होगा। यानी कहने का मतलब सीधा सा ये है कि राष्ट्रपति अपने जितने भी काम करेगा, जितनी भी शक्तियों का प्रयोग करेगा, वो सारी की सारी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा। और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। यानी व्यवहारिक बात ये है कि राष्ट्रपति सारे कार्य प्रधानमंत्री से पूछकर करेगा। अनुच्छेद 75 जो है उसके अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी योग्यता, उनका कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शक्ति इत्यादि का वर्णन है। तो सैद्धांतिक रूप से तो संविधान द्वारा सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन वास्तविकता ये है कि शासन की सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास निहित होती हैं। ऐसा किस लिए है, क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र का मुखिया होता है। राष्ट्रपति की सारी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अब ये जो मंत्रिपरिषद है ये राष्ट्रपति की इन सारी शक्तियों का प्रयोग करती है, सारी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। अनुच्छेद 75(3) जो है उसमें लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है तब तक वो सत्ता में रहते हैं। जिस दिन लोकसभा में उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए या वो लोकसभा का विश्वास खो दें तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75(3). ये कई बार कॉम्पिटिशन में आता है।
आगे लिखा गया है ब्रिटिश कैबिनेट के बारे में जो बात सही है वो भारतीय कैबिनेट के बारे में भी है, इसलिए ग्लैडस्टोन एक ब्रिटिश लेखक हैं, उन्होंने लिखा है कि कैबिनेट उस सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं, यानी जैसे सूरज के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं ऐसे कैबिनेट की तरह के चारों तरफ अन्य निकाय चक्कर लगाते हैं। आइवर जेनिंग्स ने भी कहा है कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का वह केंद्र बिंदु है जो ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करती है। अब मंत्रिपरिषद का गठन कैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल होते हैं, यानी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्रियों का जो समूह है वो मंत्रिपरिषद कहलाता है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति का क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 75 फर्स्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, निर्वाचित, चयनित, मनोनीत। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोग सीधा क्वेश्चन टिकाते हैं, लोकसभा नियुक्त करती है, लोकसभा नियुक्त नहीं करती है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है लेकिन उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करेगा, जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति मनमर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत दल जो है जो बहुमत मिलेगा वह पार्टी अपना नेता चुनेगी और लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा जिसको राष्ट्रपति को यह लगता हो कि ये लोकसभा में बहुमत साबित कर देगा। मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। यानी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री जिनकी सलाह देता है उनको ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाता है। यानी प्रधानमंत्री जो है वह एक लिस्ट बनाता है कि इस आदमी को मंत्री बनाना है, वो लिस्ट राष्ट्रपति को सौंप देता है और जो लिस्ट उसको प्राप्त होती है राष्ट्रपति उस लिस्ट के अनुसार ही मंत्रियों को शपथ दिला देता है। अब उनको कौन सा विभाग अलॉट होगा, कौन आदमी मंत्री बनेगा, ये सब प्रधानमंत्री ही तय करता है, भले ही इनकी नियुक्ति सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति करता हो। प्रधानमंत्री विभाग अलॉट करता है, कौन रक्षा मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन मानव संसाधन विकास मंत्री बनेगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये सब प्रधानमंत्री तय करता है। राष्ट्रपति तो केवल औपचारिक रूप से उनकी नियुक्ति करता है, वो उनको पद से हटा भी सकता है। प्रधानमंत्री से अगर कोई मंत्री सहमत नहीं है, प्रधानमंत्री उसको हटाना चाहे तो राष्ट्रपति को कह देता है कि फलां आदमी को मंत्री पद से हटा दीजिए, राष्ट्रपति उसे पद से हटा देता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। यानी प्रधानमंत्री कई बार धमकी दे देता है, मंत्री अगर बात नहीं मानते तो प्रधानमंत्री कह देता है कि मैंने इस्तीफा दे दिया ना, मेरे इस्तीफे के साथ ही तुम्हारा अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, तो मंत्री नहीं रहोगे। दूसरी बात जो है, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति ने प्रसाद दिया है, राष्ट्रपति जिस दिन प्रसाद वापस ले ले उस दिन इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से ये उत्तरदायी होते हैं। ये बात सिद्धांतिक रूप से तो सही है, संवैधानिक दृष्टि से बात यही है कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति के। लेकिन सच्चाई ये है कि सारे मंत्री प्रधानमंत्री जो होता है उसी के अनुरूप उनको चलना पड़ता है, प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको हटा सकता है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। योग्यता क्या है मंत्री बनने के लिए, योग्यता ये है संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, या तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन जाता है
किसी भी सदन का सदस्य है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद के सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। यानी प्रधानमंत्री या मंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो न तो लोकसभा का सदस्य हो न राज्यसभा का, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे चुनाव लड़कर या तो लोकसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी या राज्यसभा के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका जो पद है वह स्वतः समाप्त हो जाता है, उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। HD देवगौड़ा मामले में भी यही बात कही गई है कि 6 माह के लिए किसी को भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या नियुक्त किया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, लेकिन 6 महीने की अवधि में उसे सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने सदन की सदस्यता नहीं ली तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। बाद में त्यागपत्र देने के बाद मान लीजिए वह सदन का उसको दोबारा ऐसा नहीं है कि त्यागपत्र दे दिया फिर उसको शपथ दिला दे, वो तब तक मंत्री नहीं बन पाएगा जब तक कि वह सदन की सदस्यता नहीं ले लेता। मंत्रियों के प्रकार कौन कौन से हैं? दरअसल मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय होता है, कैबिनेट मंत्री जो जिसको हम मंत्रिमंडल बोलते हैं, दूसरे राज्य मंत्री, तीसरे उप मंत्री। इनमें सबसे प्रमुख होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। यानी मंत्रिमंडल एक छोटा समूह है, वो मंत्री परिषद का हिस्सा होता है। इसमें क्या होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो विभागों के अध्यक्ष होते हैं। ये सर्वोच्च प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है, ये ही सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं। यानी जो मंत्री परिषद है उसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जैसे रक्षा मंत्री है वो रक्षा विभाग का अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री गृह विभाग का अध्यक्ष होगा, वित्त मंत्री वित्त विभाग का अध्यक्ष होगा। यानी ये सब अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। और जो राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्यों को अर्थात कैबिनेट मंत्रियों को सलाह देने का काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, दरअसल कई बार राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का प्रमुख बना दिया जाता है अर्थात उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार उनको दे दिया जाता है। ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं इनके वेतन भत्ते शक्तियाँ सब कैबिनेट मंत्रियों के समान होती हैं और ये कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। जब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले नहीं होते उनके अलावा जो राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं वो कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते, मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। तो कहने का मतलब मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है, उस मंत्री परिषद का एक छोटा हिस्सा होता है कैबिनेट मंत्री जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भाग लेते हैं, अन्य राज्य मंत्री और उप मंत्री उसकी बैठकों में भाग नहीं लेते जब तक कि उनको बुलाया नहीं जाए। ये बात अपन कर चुके हैं। रमजे मेयर ने कहा है कि वह ये जो मंत्रिमंडल है कैबिनेट मंत्री होते हैं ये मंत्री परिषद का हृदय होते हैं, शासन का परिचालन यंत्र होते हैं, इसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष शामिल होते हैं। ये जो मंत्री परिषद संविधान में, बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में केवल मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया गया था, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये जो मंत्रिमंडल शब्द है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा के प्रावधान में है। अब आप क्वेश्चन आता है संविधान में कौन सा शब्द था, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल दोनों ही नहीं, संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द था। मंत्रिमंडल शब्द कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया, 352 में जोड़ा गया। कौन से प्रावधान है इसमें, आपातकाल के प्रावधान है। क्या लिखा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से ही आपात की उद्घोषणा कर सकेगा। यानी राष्ट्रपति तब तक आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में नहीं दे दे। तो मंत्रिमंडल शब्द पहली बार 1978 में जोड़ा गया। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, मंत्रियों को शपथ दिलाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति करता है। इनकी जो शपथ का प्रारूप है वो अनुसूची 3 में है, प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के समस्त सदस्यों को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। 2 शपथ लेते हैं वो, एक तो पद की कि पद के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करूंगा, दूसरी गोपनीयता की कि मंत्री परिषद के जो निर्णय हैं जब तक कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक नहीं हो, जब तक कि सभी सहमत नहीं हो, किसी के सामने नहीं रखूंगा। यानी मंत्रिपरिषद के जो निर्णय होते हैं बड़े गोपनीय होते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। दरअसल
इनका निश्चित कार्यकाल क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, यानी जब तक इनको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक ये सत्ता में रहते हैं। जिस दिन लोकसभा का विश्वास खो देते हैं उस दिन इनको त्यागपत्र देना होता है। एक दूसरा मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, राष्ट्र प्रधानमंत्री जिस दिन चाहे उस दिन इनको हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। तो मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, संविधान में मंत्रिपरिषद की कोई सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की गई थी। पहले प्रधानमंत्री अपने विवेक से तय करता था कि इनकी संख्या कितनी होगी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 फर्स्ट में एक छोटा अनुच्छेद जोड़ा गया कै, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या निम्न सदन अर्थात लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। जैसे हमारी लोकसभा की वर्तमान संख्या है 545, तो 545 का 15% यानी 82 से ज़्यादा 82 से ज़्यादा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रिपरिषद का आकार कौन से संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, और कितना निर्धारित किया गया, निम्न सदन अर्थात लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की है, अपन बार बार बता चुके हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्रिपरिषद के कार्यों के लिए कभी भी कोई एक मंत्री उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि सारी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। यानी गृह विभाग के मामलों के लिए केवल गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठकों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, और अगर कोई मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णयों से असहमत है तो वह त्यागपत्र दे सकता है। सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि एक सामूहिक एकता का सिद्धांत काम करता है। अगर मंत्रिपरिषद के सदस्य बटे हुए होंगे तो न तो सामूहिक निर्णय हो पाएंगे, न ही सरकार ढंग से कार्य कर पाएगी। इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत हमारे संविधान में जोड़ा गया है कि वो एक यूनिट के रूप में काम कर सके और एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी हो। जो मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं उनके बारे में लॉर्ड मॉरले ने कहा था कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं एक साथ डूबते हैं। यानी अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो सारे मंत्रियों को प्रधानमंत्री सहित त्यागपत्र देना होता है, लेकिन प्रधानमंत्री किसी एक मंत्री को पद से हटा सकता है, तब मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होता। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली क्या होती है? मंत्रिपरिषद की बैठक सप्ताह में एक बार होती है। वैसे तो प्रधानमंत्री चाहे तो आधी रात को भी बैठक बुला सकता है, कभी बुला सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, और यदि प्रधानमंत्री नहीं होगा तो जो सीनियर मोस्ट होता है वह इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। बैठक के लिए कोई कोरम नहीं होता मंत्रिपरिषद के लिए, जैसे लोकसभा के लिए कोरम है, राज्यसभा के लिए कोरम है कि कुल सदस्य संख्या के 1/10 से अगर अधिक सदस्य नहीं आते हैं मीटिंग में तो लोकसभा की या राज्यसभा की बैठक नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन मंत्रिपरिषद के लिए कोई कोरम नहीं होता है। मंत्रिपरिषद की तरफ से मंत्रिमंडल ही निर्णय लेता है, सारे निर्णय एक मत से लिए जाते हैं, अगर विवाद हो तो बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन एक बार निर्णय होने के बाद वो सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। कोई मंत्री सहमत नहीं हो तो इस्तीफा दे सकता है, जैसे 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने, उसके बाद में डॉक्टर मथाई, डॉक्टर अम्बेडकर और देशमुख ने मंत्रिमंडल के निर्णयों से सहमत न होने के कारण त्यागपत्र दे दिए थे। जो भी निर्णय होते हैं वो अत्यंत गुप्त रखे जाते हैं, क्योंकि मंत्री जो है वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं और ये बात सब पर लागू होती है। इस नियम का बड़ा कड़ाई से पालन किया जाता है, खासकर बजट से पहले। बजट की कोई बात होती है, कोई डिसीजन होता है, सब मिलकर करते हैं। अगर बजट की कोई बात पहले लीक हो जाती है तो वित्त मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। एग्जाम के हिसाब से कुछ क्वेश्चन है जो कंपटीशन की बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कर देते हैं, अब तो इजी लग रहा है कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है। लोग सोचते हैं सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं तो राष्ट्रपति करता होगा। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि वह मंत्रियों में प्रधान है। आमतौर पर प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे इंदिरा गांधी बनी, SD देवगौड़ा बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता बता दिया प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष कैसे?
क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए कहा गया है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य कितनी आयु में बनता है? 25 वर्ष में। प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा का सदस्य है तो वह कम से कम आयु कितनी होगी उसकी? 35 वर्ष होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होगी, लोकसभा का सदस्य अगर प्रधानमंत्री बनता है तो कम से कम आयु 25 वर्ष होगी, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री। विभागों का बंटवारा करने में किसी से परामर्श करता है क्या? किसी से नहीं करता, अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री विभाग अलॉट करता है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 में निर्धारित किए गए, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन और विधान संबंधी प्रस्तावों के बारे में सूचना देगा। स्वतंत्रता के बाद जो है पहला मंत्रिपरिषद गठित हुई तो उसमें कितने मंत्री थे? 36। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्रता के बाद जो पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ उसमें वित्त मंत्री कौन था? डॉक्टर जॉन मथाई। अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो मंत्री बनाए जाने पर कितने दिन तक पद पर रह सकता है? 6 महीने तक। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो कितने महीने में संसद का सदस्य बनना पड़ेगा? 6 महीने में। 91वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या से संबंधित है। क्या किया गया इसमें कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या लोकसभा की 15% से ज़्यादा नहीं होगी। वर्तमान में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कितने मंत्री हो सकते हैं? 82 हो सकते हैं, 545 का 15%। कितने मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट में कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। प्रशासन की सर्वोच्च इकाई जो सरकार की नीतियां निर्धारित करती है कैबिनेट करती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, ये अनुच्छेद 75(3) है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसमें उत्तर गलत है, ये मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को कौन हटा सकता है? लोकसभा हटा सकती है। तो ये सारे क्वेश्चन अपन ने देखे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई समस्या हो तो आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से संपर्क कर सकते हैं या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्या रख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।